औज़ बिल्लाहि समील अलीम अलफीज़ी बिवजहिल करीम सुल्तानिल कदीम मिन रिजसिल खबीसिल मुखब्बसी शैतानिल लईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़हब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, अस्सलामु अलैकुम, आप पर बरकतें और रहमतें हों। मौजूदा सामईन, आज की वीडियो मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए बड़ी अहम है। ऐसे तमाम अफराद जो रोज़ी रिज़क दौलत शोहरत में बरकत चाहते हैं, उनके लिए एक तिलस्माती नोट मैंने तैयार किया है, जो कि रिज़क में बरकत के लिए मालो दौलत के लिए बड़ा ही मुजरब है। इसमें मकनातीसी कशश है। ये जो हरूफ इस्तेमाल किए गए हैं, ये ऐसे हरूफ हैं जिनके अंदर दौलत की कशश पाई जाती है। तो इसको तरतीब कर देने का तरीक़ाकार पूरा तफसील के साथ वीडियो में बताया है। वजाहत में जाने से कबल आपसे इल्तमास है, हमारे चैनल वज़ाइफ़ फ़लसानेहिल सालेहीन को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तमाम सब्सक्राइबर को इजाज़त आम है, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको इजाज़त आम है, बाकी भी सब लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे कोई भी फ़र्द, कोई भी मुस्तफ़ीद हो सकता है। ये किसी ख़ास तबके या ख़ास लोगों के लिए नहीं है, यह हर बंदा इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। आप अपनी अपनी बसात के मुताबिक फ़ायदा उठाएं। अल्लाह आपको कामयाबी और कामरानी से नवाजे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े सामीन, आज मैं आपको दौलत में, रिज़क में इजाफे और बरकत के लिए हरूफ तहजी से एक नोट तैयार करके दूंगा, जो कि रिज़क और मालो दौलत में बरकत के लिए बड़ा ही अक्सर माना जाता है। ये तरतीब जो है हरूफ माल की, डॉक्टर सायर अलवस्ती ने तरतीब दी है और उनकी बकायदा इजाज़त है इस पे, और ये अमल जो है बड़ा ही मुजरब है और इसकी बेशुमार बरकतें हैं। ये जो हरूफ इस्तखराज किए गए हैं, ये दौलत मालो दौलत के हरूफ हैं और हरूफ समर इनको कहा जाता है। मैं आपको अब इनका पूरा तरीका बताऊंगा कि ये आपने नोट पर किस तरह लिखने हैं। सबसे पहले आपने एक नोट लेना है, नया नोट हो, कोशिश करें नोट आपका नया हो, और सुरख या नीली स्याही से आप उस नोट पे लिखेंगे। तरीक़ाकार आप अच्छी तरह समझ लेना, और इसको बनाने का तरीका जो है वो बड़ा ही आसान मैं आपको समझा दूंगा। और ये नोट आप 9 और 10 मुहर्रम को सुबह फजर के बाद से लेके असर तक आप बना सकते हैं। 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम वाले दिन आप लिख सकते हैं इसको। इसके अलावा नौ चंदी जुमे रात को भी आप लिख सकते हैं। तो अल्लाह के करम से आप दौलत शोहरत की लोहों को भूल जाएंगे, इतना बाबरकत नोट यह तैयार होगा। सबसे पहले आपने नोट के कोनों के ऊपर सीधे तरफ, पहले आपने सीधी तरफ यहाँ पर लिख देना है अलिफ, यहाँ पे आपने लिख देना है वाह, ओके, नीचे आपने लिख देना है या, और यहाँ पे आपने लिख देना है काफ, ओके। ये हमने चारों कोने नोट के लिख लिए। अब इस नोट को कर लेना है उल्टा, पहले कोने में आ जाएगा नून, यहाँ पे आ जाएगा काफ, दो नुक्तों वाला काफ, ओके, यहाँ पे आ जाएगा से सा, और यहाँ आखिरी कोने में आ जाएगा गाइन। ये हमने चारों कोने लिख लिए, अलिफ, उसके बाद दूसरे कोने में बा, फिर या और फिर काफ, और दूसरी तरफ भी इस तरह। इसके बाद ये नोट आपने ऐसे रख दिया। इस नोट के ऊपर आपने अब लिखना है ये तिलस्माती हरूफ हैं जो भी मैं लिखने लगा हूँ, बा,
सा जीम खा जाल जा शीन जुआद जुआ गैन फा काफ नून और या। ये आपने नो इसी तरह लिख देने हैं। इसके बाद दूसरे कोने पर भी आपने सेम यही हरूफ लिखने हैं। ये हरूफ अच्छी तरह आप देख लें, क्लोज करके मैं आपको दिखा देता हूँ, लिखने में कोई गलती ना हो, ये आप याद रखिएगा। अब दूसरे कोने पे भी इसी तरह यही हरूफ आपने लिख देने हैं। बा उसके बाद आ गया ता सा जीम खा जाल जा शीन जुआद जुआ गैन फा काफ नून या। ये आपने दूसरे कोने पर भी लिख दिए बिल्कुल इसी तरह, ये आप लहजा फरमा लें। अब आपने नीचे भी इसी तरह ही लिख देने हैं यही हरूफ। बा ता सा जीम खा जाल जा शीन जुआद जुआ गैन फा काफ नून और या। अब आखिरी कोने पे भी आपने यही हरूफ लिख देने हैं। बा ता सा जीम खा जाल जा शीन जुआद जुआ गैन फा काफ नून और या। ये आपका नोट तैयार हो गया। ये जो आप लहजा फरमा लें, ये हमारा नोट जो है तैयार हो गया। ये हमने नोट जो है ये आपने तैयार करना है 9 और 10 मुहर्रम को। ओके, 9 और 10 मुहर्रम सुबह फजर से लेके असर तक किसी भी वक्त आप इसको लिख सकते हैं। अब नोट के बिल्कुल सेंटर में आपने ये लिख देना है, योगी नूहम या गई नून हा मीम
मुल्लाहु मिन फजलिही युगी नोहुम मिन फजलिही। मैं नीचे भी लिख देता हूँ। युगिनु मुल्लाहु, यहाँ पे अल्लाह आएगा। मिन फजलिही, ये आपने नोट के बीच में लिख देना है, ये वाला जो है। युगीनोहुमुल्लाहु मिन फजलिही, ये आपने नोट के बीच में लिख देना है, जिस तरह ये मैंने लिखा है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसी तरह ये आपका नोट अब हो गया तैयार। इसको आपने इस तरह लपेट लेना है। ओके, इस तरह आपने इसको लिया लपेट, और आपने इसको अपने पर्स में डाल लेना है, या जहाँ पे आप पैसे रखती हैं वहाँ आपने रख देना है। इस नोट को आपने गुम नहीं करना, ये आपकी जेब में हो, ठीक है? आपने अपने पर्स में रखें, बेहतर ये है। कोशिश करें इसके ऊपर मोम जमा लपेटे, उसके बाद आप पर्स में डाल लें, ताकि हिफाजत रहे और इन बाबरकत रूफ की बेहरमती भी ना हो, क्योंकि आपने वाशरूम वगैरह भी जाना होता है, पाकी नापाकी की भी हालत हो जाती है, तो इनकी बेबरकती ना हो। ये आपका नोट तैयार है। तो कोई भी इसको लिख सकता है, फी सबीलिल्लाह है। ओके, जो लोग खिदमते खलक के लिए लिखना चाहें कोई भी इस नोट को लिख सकता है। इजाज़त आम है, डॉक्टर साहिर अलवस्ती की तरफ से इजाज़त आम है। ओके, हमारी तरफ से इजाज़त आम है, लेकिन कारोबार के लिए नहीं है। इसकी इजाज़त कारोबारी हज़रात को नहीं। जो लोग इस नोट के पैसे वसूल करें कि मैं आपको ये तिलस्माती या करिश्माती नोट बना के दे रहा हूँ, इसके मैं आपसे 10,000 लूँगा, तो ऐसे लोगों को इजाज़त नहीं है। फी सबीलिल्लाह वाले सब आमिल गैर आमिल सब लिख सकते हैं। अल्लाह आपको अजर अजीम दे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और आप ये लिखने के बाद आपने 4 का नमाज नफल दो दो करके आपने पढ़ने हैं। हर रकत में आप सूरत फातिहा के बाद 3 बार सूरत इखलास पढ़ेंगे, और वो हदिया करने हैं आपने शुहदाए करबला को। ओके, उसके बाद आपने 1,000 बार दुरूद पाक पढ़ना है और इसके ऊपर दम कर देना है। अल्लाह के करम से ये नोट आपका जो है बेहतरीन काम करेगा और आपको फ़ायदा देगा। हमारी आपके लिए दुआ है, और हम आपकी कामयाबियों के लिए दुआगो रहेंगे। अल्लाह आपको हमेशा कामयाबी कामरानी से नवाजे और रिज़्क़ के दरवाज़े खुले रखें।